मान सर, हम लोग को चितकारा क्लास सर, डॉक्टर चितकारा सर की क्लास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, कैसी होती थी, और फिर मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो इतना ही मिला हूँ डॉक्टर चितकारा सर से कि संगरूर में जब डॉक्टर एमएल सैगल अवर मास्टर सेमिनार था तो साथ में सर आए थे। जहाँ वहां जाते थे सेमिनार होता था दिल्ली में, डॉक्टर एमएल सैगल सर का तो भी इतना टाइम नहीं मिलता था मेरे को मिलने को। तो उनकी जो मटिया मेडिका पॉइंट परचेज करके उससे शुरू की हमने जर्नी। तो कौन उसके साथ रहा हो? शायद डॉक्टर राशि रहे हो। हमारे तो साथ मैं शुरू करता सर, सर वेलकम, नमस्कार सर, हूँ। नमस्कार। प्लीज जरूर सर बताइए। आप सबका स्वागत है, वेलकम, गुड मॉर्निंग। राशि ने कहा कि आप शुरू करिएगा, तो मैं तो राशि का इंतजार कर रहा था। अभी शायद राशि ने अपने आप को अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग राशि। अभी भी शायद वो नहीं है। ओके, सो हम लोग शुरू वेलकम करते सर। हैं। डॉक्टर चितकारा सर के बारे में डॉक्टर मान सर ने बहुत ठीक कहा कि डॉक्टर एमएल सहगल साहब और चितकारा साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोनों की काफी मतलब सीटिंग होती थी, और कभी कभी दिन पूरी रात होती थी। और वो सिलसिला जब शुरू हुआ था 1993 में, हम लोग जुड़े थे, मान सर थे और भी बहुत सारे, भूपेंद्र सर थे, बहुत सारे हमारे दोस्त थे दिल्ली में, डॉक्टर प्रेम सर थे, डॉक्टर मोहंती, हम सब लोग जाते थे वहाँ। फिर बाद में मंदिर मार्ग पर बिरला मंदिर है दिल्ली में, तो वहाँ हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी, और वो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट मतलब हुआ करता था। हालांकि शुरू में बहुत दिक्कत थी, कुछ लोग आते थे, बहुत थोड़े लोग आते थे, 10 12 15, फिर धीरे धीरे वो सिलसिला चल निकला, लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि माइंड टेक्निक की बात सुन के होम्योपैथी में ही एक क्लास बनता चला गया कि अरे यार, ये लोग तो माइंड से आगे निकलते ही नहीं, इनको पता नहीं, वही दो चार सिम्टम पे ही लोग काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कुछ लोग आए फिर चले भी गए, लेकिन वो सिलसिला चला। और उसके बाद जो परफेक्ट मटेरिया मेडिका ऑफ माइंड, जो एमएल सहगल साहब की किताब है, उसमें आपको जो भी उसका लिटरेरी एस्पेक्ट है वो चितकारा साहब का है। बाद में चितकारा साहब ने तकरीबन 900 मेडिसिन पर काम किया, उसके माइंड रूब्रिक्स को निकाला, और वो किताब भी अलग से आई है। आपको याद होगा कि होम्योपैथिक संदेश नाम का एक उस समय जर्नल आता था हिंदी में, बाद में उसमें कुछ अंग्रेजी के भी पन्ने जोड़े गए थे, तो वो चितकारा साहब एडिट करते थे। चितकारा साहब बाद में बीजेएन को ज्वाइन कर लिए थे, बीजेएन पब्लिशर्स को, तो वो जो होम्योपैथिक हेरिटेज निकलता था, अभी भी निकल रहा है, तो उसके वो रेजिडेंट एडिटर थे। तो इस तरह से ये पूरी पूरा सिलसिला शुरू हुआ, और चितकारा साहब चाहते थे कि ये चीज निकले दिल्ली से और क्लासरूम से बाहर निकले। और उसके बाद फिर वो क्लासेस शुरू हुई, फिर मान साहब का पूरा, मैं तो उसको गैंग बोलता हूँ, मान साहब पूरी गाड़ी में भरकर आते थे, और इस तरह से फिर सेमिनार शुरू हुए, फिर सहगल साहब भी निकलना शुरू किया, मतलब संजय सहगल, और उनकी बात कर रहा हूँ, एमएल सहगल साहब तो नहीं निकलते थे। तो इस तरह से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, और वो क्लासेस काफी समय तक चला। बाद में जब चितकारा साहब थोड़े से मतलब तबीयत तबीयत उनकी बिगड़ने लगी, तो वो क्लास धीरे धीरे इंटरप्ट हुआ, लेकिन वो क्लास फिर सहगल क्लास के रूप में अलग से, फिर बाद में डॉक्टर मोहंती ने अलग से शुरू किया, हम लोग फिर आईआईटी दिल्ली में जमा होते थे, तो इस कुछ शिफ्ट हुआ, लेकिन वो क्लास चलता रहा, बीच में इंटरप्ट हुआ था। लेकिन खुशी इस बात की है कि जहां भी लोग निकले सहगल स्कूल से, वो वहां पर उन लोगों ने क्लासेस शुरू कर दिए, और उसका एक बहुत अच्छा असर है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ में, वो डॉक्टर मालती बता रही थी कि वहाँ एक क्लासिकल होम्योपैथी तो है, लेकिन ये माइंड टेक्निक पर और या माइंड सिम्टम्स पर बात करने वाले लोग कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग लिंक देंगे मालती जी, और निश्चित रूप से इस जूम ने और ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसने तो हम लोगों को दुनिया भर से जोड़ दिया। अभी पाकिस्तान से हमारे साथी हैं, इटली से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सिंगापुर से हैं, तो इस तरह से ये क्लास चल रहा है। और मैं तो राशि को, विशेष रूप से डॉक्टर राशि को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर से हम लोगों को जोड़ा। हम तो मान सर और हम लोग तो बहुत पुराने
मित्र हैं, लेकिन हम मिल रहे हैं 20-25 साल के बाद मिल रहे हैं। बस कभी कभार एक दूसरे को हम लोग याद कर लेते थे, लेकिन ये सिलसिला अभी हमने शुरू किया। तो मान सर, मैं 5-10 मिनट और लेके फिर आपको सुनूंगा, इजाजत है। मैं तो मान साहब को ही अपना सीनियर मानता हूं। जी, मैं थोड़ी सी बात ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की करूंगा। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, हम लोग जब माइंड टेक्निक पर काम करते हैं तो हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को भूल जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अगर ऑर्गेनन को याद रखेंगे तो हम माइंड टेक्निक को बहुत मजबूती से समझेंगे और बहुत बेहतर उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। मुझे एक रेफरेंस मिला था जब मैं रात में थोड़ी सी किताब देख रहा था, तो हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन की एक प्रोसीडिंग्स है, उसका एक रेफरेंस मुझे मिला। उसके वॉल्यूम 4 में एक बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लाइन है। लाइन ये है कि डिजीजेस आर डायनेमिक, नॉट मटेरियल। अब ये बातें एलोपैथी की किताब में मुझे मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग तो ये बात कहते ही हैं, लेकिन एलोपैथी वाले भी डिजीज को डायनेमिक मान रहे हैं। और उसके बाद और भी उसके जब डिटेल्स देखे तो उसमें एक लाइन वो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, वो ये कि द सब्सटेंसेस एंड इम्प्योरिटीज दैट अपीयर इन द डिजीजेस आर प्रोडक्ट, नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ डिजीज। तो ये प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि डिजीज को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मॉर्बिडिटी क्या है, उस बीमारी के अपीयर होने से पहले की प्रोसेसिंग क्या है, उसको समझे बगैर प्रॉपर डिजीज को नहीं समझा जा सकता। और जब तक हम पूरी डिजीज नहीं समझेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। माइंड टेक्निक में हम लोग यही काम करते हैं कि डिजीजेस जो शुरू हुए उनकी क्या उसकी उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है। अगर वो फीलिंग के रूप में आपने पकड़ लिया तो आप माइंड के उस रूपरेख से एडजेक्ट मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। ये हम लोगों की समझ है, और हम उसी आधार पर, जो जितने भी माइंड टेक्निक पर काम कर रहे हैं, हम उसी आधार पर काम करते हैं। ऑर्गेनन में बहुत सारे सेक्शन है। ऑर्गेनन के सेक्शन 1 से लेकर आप लास्ट सेक्शन तक जाएंगे, उसमें आपको माइंड और माइंड की ही बात मिलेगी। सेक्शन 72 से 81 तक तो पूरा, जैसे डिजीज को समझना, डिजीज क्या है उसको समझने का पूरा सेक्शंस है। 210 से लेकर लगभग 230 या 31 तक का जो सेक्शन है वो पूरा मेंटल और इमोशनल डिजीजेज पर ही है। हालांकि उसको एक अलग कैटेगरी के रूप में देखते हैं, मेंटल डिजीज अलग है और माइंड के रूब्रिक्स अलग है। ऐसे ही 245 से लेकर 255 या टू सॉरी 265 तक का जो रूब्रिक्स है वो केस मैनेजमेंट का रूब्रिक्स है। तो इस तरह से हम माइंड के रूब्रिक्स को अगर पकड़ना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। हम फिजिकल सिम्टम्स पर शायद मिस हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स पर कंफ्यूज हो सकते हैं, या वहां से हम दवाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये संभव है, लेकिन माइंड के माध्यम से अगर हम दवाई तक पहुंचना चाहते हैं तो बहुत इजी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं पब्लिक हेल्थ पर काम करता हूं, और यही चीज मैं अपने आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक हेल्थ जो है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसको कि हम लोग बस ऐसे ही पढ़ते थे अपने मेडिकल कॉलेज में, उसको अगर हम अपना आधार बनाते हैं, जैसे एपेडमिक्स का ये दौर है। एपेडमिक्स में होम्योपैथी को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में एक ऑफिशियल बड़ा रिसर्च किया, उसमें करीब 150 डॉक्टर दिल्ली के इन्वॉल्व थे, और 5-आर्म ट्रायल हुआ। मेरे ख्याल से आजाद भारत में इतना बड़ा कम्युनिटी ट्रायल बहुत शायद पहली बार हुआ है। और चूंकि दिल्ली बोर्ड में हम लोग हैं, दिल्ली सरकार में जो आयुष मंत्रालय, उन सब लोगों ने मिलकर, और उसमें बहुत अच्छे अनुभव हुए। क्या रिजल्ट आया या क्या रिजल्ट आएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन उसमें काम करने का जो तरीका है, जिसमें हम लोगों को टारगेट करते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले कि इन लोगों के पास कोई साइंटिफिसिटी नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कोई इस तरह का साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, वो सब चीजें हम लोगों ने तोड़ी। और उसमें जो हमारे पीयर्स थे, हमारे जो गाइड थे, हमारे जो मेंटोर्स थे, जो और खास करके एनालिस्ट थे, वो सब एलोपैथी के लोग थे। तो उन लोगों को होम्योपैथी समझने में बड़ा
मतलब एक तरह से बड़ा उनके अंदर कौतूहल भी था। पहले तो वो रेसिस्ट कर रहे थे कि क्या होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन बाद में उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं डॉक्टर मान सर और सारे अपने लीडर्स को, मैं तो इन लोगों को लीडर्स कहता हूँ, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ से लिंक करें अपने आप को। क्योंकि देखिए, अपनी पढ़ाई तो हमारी आपस की पढ़ाई है, जिसमें हम एक दूसरे को सुनकर सीखकर खास करके अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, कुछ खास मेडिसिन के बारे में अपनी समझ क्लियर करते हैं। लेकिन पब्लिक में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब लोग बहुत पीड़ित हैं, बीमार हैं, और मजबूरी में उनको एलोपैथी में भागना पड़ता है। वहां पर ही उनका इलाज, उनको लगता है कि यही सिस्टम है जो बीमारियों को, महामारियों को डील कर सकता है। तो थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ के फील्ड में भी हमको जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अपना फील्ड वही चुना है, इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। और तीसरी बात और अंतिम बात, मैं एक छोटी सी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूंगा। मैंने एक छोटा सा नोट्स तैयार किया है रात में, तो मैं आपको वो मेडिसिन आपके सामने रखता हूँ। मैं चाह रहा था कि कुछ केस दिखाऊं, लेकिन आज पहली बार मैं सोचता हूँ कि केस अगले अगले अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। आज मैं एक मेडिसिन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेडिसिन है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन हम लोगों ने सहगल साहब से पढ़ा था, एम एल सहगल साहब से हम लोगों ने कार्सिनोसिन पढ़ा था। बाद में चितकारा साहब ने भी उसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया था। हमारे साथ एक डॉक्टर पीपी मल्होत्रा हुआ करते थे, जो चितकारा साहब के साथ काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। उनका एक वर्ड है जो बहुत फेमस है, प्रोमिसोलोन। वो प्रोमिसोलोन वर्ड यूज करते थे। प्रोमिसोलोन का मतलब कि आप प्रोमिस करो कि आप सिंगल मेडिसिन पे ही रहोगे। तो ये उनका वर्ड था जो अभी तक मुझे याद है। और वो जब चितकारा साहब, सहगल साहब जब आपस में मजाक करते थे, तो उनको ऐसे ही करके वो एक तरह से चिढ़ाते भी थे कि ये प्रोमिसोलोन आ गया देखो। तो मुझे लगता है कि सिंगल मेडिसिन तक पहुंचने के लिए, जब तक हम मेडिसिन को नहीं समझेंगे, जब तक हम पेशेंट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम काफी कंफ्यूजन में रहेंगे। क्योंकि बहुत सिमिलरिटी मिलेगी सिम्टम्स में, बहुत थोड़े थोड़े बाइफर्केशन से आपके मेडिसिन बदलते हैं। कैंसर के बारे में बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, 2-4-5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। कैंसर, कार्सिनोसिन नाम की जो दवा है वो कैसे बनती है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप देखेंगे, जो प्रूविंग्स की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें जाके देखेंगे, तो इन्फेक्टेड ब्रेस्ट के टिश्यूज से कार्सिनोसिन नाम की दवा को बनाया गया। जो कैंसर युक्त स्तन होता है उससे इस दवा को प्रोसेस किया गया है। अब आप इससे इस पूरे दवा का एक डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं। अब ये दवा क्या है? आमतौर पर जो हमारे यहाँ मायाज्म के कॉन्सेप्ट हैं, उस मायाज्म में साइकोसिस और सिफिलिस के बीच में आपको कैंसर का एक स्टेज दिखेगा। अब तो कुछ डॉक्टर ने, कुछ हमारे मास्टर्स ने इसको मायाज्म मान लिया है कि कैंसर इज अ मायाज्म। इसमें जो इसका सेंट्रल इस मेडिसिन का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? वो थीम है कि वो काम करना चाहता है। कैंसर का जो कार्सिनोसिन का जो पेशेंट है वो अपनी पूरी चीजों को सहकर उससे बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है कि इतने बड़े संकट से हम कैसे निकलें। उसको कामयाबी की उम्मीद होती है, वो उसके उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। उसका एफर्ट जो है वो बहुत साफ साफ दिखेगा। कैंसर का जो पेशेंट है, कार्सिनोसिन का जो मरीज है, वो अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने आप अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो पूरी एफर्ट करता है। ये इसका सेंट्रल थीम है। इसलिए इसको समझना बहुत इजी है। हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो इस मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो हमारे अंदर ये गुण है। खास करके कार्सिनोसिन का जो पेशेंट होता है ना, वो अपनी जवानी में बहुत मेहनत करता है। उसका जो यूथहुड है, उसका जो जिसको बोलते हैं ना गोल्डन टाइम जो होता है, उस समय बहुत मेहनत करता है। और जाहिर है उसके अंदर बहुत अरमान होते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं। उसके ऊपर एक तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स का दबाव होता है कि तुमको ये बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको सिविल सर्वेंट बनना है। तो
उसके लिए वो एफर्ट करता है, उसको अपनी माता पिता के इच्छाओं के अनुरूप उतरना है, उसको काम अपने आप को दिखाना है कि हाँ हमने आपने जैसा चाहा था वैसा हमने किया, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है, वो अपने आप को आप कह सकते हैं कि असाधारण रूप से मेहनत करता है, जगह सब कुछ करेगा वो। तो ये खास करके कार्सिनोसिन का एक कैरेक्टर है। कार्सिनोसिन में अस्तित्व की लड़ाई बहुत होती है, वो उसको लगता है कि उसका वजूद इसी बात पे टिका हुआ है कि वो अगर कामयाब नहीं हुआ तो वो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा होता है। आप समझ लीजिए कि वजूद की लड़ाई का मतलब कि वो बिल्कुल पूरी ताकत लगाता है। कैंसर के जो रोगी होते हैं उनमें आप ये समझ लेंगे कि जो कैंसर का भी मरीज है, आप उससे इसको रिलेट करके देखिए, कैंसर के पेशेंट्स को जब पता चलता है कि उसको कैंसर है तो उसके अंदर क्या फीलिंग होती है, उसको ये लगता है कि बस जिंदगी और मौत के बीच में उसकी जो हिम्मत है वही उसको जिंदा रखेगी, तो इसलिए वो अपने होल्ड के साथ अपनी जो भी उसकी एनर्जी है उसको होल्ड करता है, और उसको होल्ड करके ही वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है या उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि जब वो बहुत भाग दौड़ करता है, निराश हो जाता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो संघर्ष में कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ता है। जो कार्सिनोसिन का पेशेंट्स है वो बहुत आदर्श स्थिति में बने रहने के लिए उसको जो जो भी करने पड़ते हैं वो करता है। तो आपको पूरे कार्सिनोसिन के सिम्टम्स आपको इसमें दिखेंगे, इसमें फास्टिडियस दिखेगा, इसमें आपको सेंसिटिव टू एरापमेंट्स दिखेगा, उसको कोई अगर डांटता है या कोई कुछ उसको टोकता है तो उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके अंदर कॉम्पैशन दिखेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, वो हर जगह जल्दी में होगा, गाड़ी में भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसको वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा कि हम जल्दी पहुंचे, हम देर ना हो जाएं, ये सारी चीजें कार्सिनोसिन के पेशेंट्स में होती है। कार्सिनोसिन का जो पेशेंट्स होता है वो बड़ा, उसको एम्यूजमेंट बहुत पसंद है, वो म्यूजिक पसंद करेगा, नेचर को पसंद करेगा, वो पहाड़ों में जाना चाहेगा, समुद्र के किनारे जाना चाहेगा, तो ये जो उसकी एक अपने आप को मेंटेन रखने की जो उसके अंदर की चाहत है ये उसको इस तरफ लेके जाती है। जैसे पल्सेटिला और इग्निशिया में आप देखेंगे वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही कार्सिनोसिन का पेशेंट भी बहुत सेंसिटिव होता है। उसके अंदर एक चाह होती है कि उसको एक अच्छा बच्चा बनना है, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र बनना है, या जहां भी वो नौकरी कर रहा है तो उसको लगता है कि उसको बेस्ट, अपना बेस्ट देना है। डॉक्टर है तो उसको लगता है कि वो अपने मरीज को ठीक से मैक्सिमम अटेंशन दे, उसका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। निश्चित रूप से फास्टिडियस है तो वो साफ सफाई भी चीजों को अरेंज रखेगा, उसके कमरे की चीजें आपको इधर उधर बिखरी हुई नहीं दिखेंगी, ये सारी चीजें कार्सिनोसिन के मरीज में आपको दिखेंगे। और उसका डाइट भी बहुत हेल्दी डाइट होता है, वो अक्सर चॉकलेट पसंद करेगा, मिल्क पसंद करेगा, फ्रूट्स पसंद करेगा, ये सब कार्सिनोसिन्स के कैरेक्टर हैं। और उसके इर्द गिर्द आप अगर कोई कैरेक्टर देखते हैं तो फिर आपको उसमें बहुत सारे रूब्रिक्स मिलेंगे, जैसे ऑफेंडेड इजली, टेक्स एवरीथिंग इन अ बैड पार्ट, ये परफेक्ट मेटामेटिका ऑफ माइंड में आप जाएंगे तो उसमें सिंगल सिम्टम्स बहुत मिलेंगे, सिंगल सिम्टम्स में जैसे एलिमेंट After being abused with indignation, अगर उसको इस बात का ये रहता है कि अगर उसको किसी ने कुछ कह दिया तो उसके तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मिले। Answers all questions, उसको आपने कुछ पूछा तो वो लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर करेगा, वो नोट कर लेगा, आपको कुछ भी छोड़ेगा नहीं, आर्टिस्टिक होता है, नेचुरली वो अपनी सब चीजें अरेंज रखता है, फिंगर टिप्स बाइट करता रहेगा, ये सब सिंगल रूब्रिक्स हैं इसमें। कंसोलेशन काइंड वर्ड्स एग्रावेट्स, उसको कंसोलेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो एक एक लेवल पे अपने आप को पाता है, उसको लगता है कि झूठ मूठ का मुझे ये क्यों ये समझा रहा है। सुसाइडल टेंडेंसी होती है कार्सिनोसिन के पेशेंट्स में, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जाहिर है कि वो इतने सारे प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, या तो आर पार, ये वो सोचता रहता है। डांसिंग, ये सब सिम्टम्स आपको मिलेंगे,
इंटेलिजेंट, इरिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुल, अगर वो कुछ आपसे बात कर रहा और भूल गया, उसको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, तो आप उसका उसकी अवस्था देख के हैरान हो जाएंगे कि वो कुछ भी सर नोच सकता है। मैं एक बार जापान में था तो मुझे टिपिकल ये कैरेक्टर मिला था, उनको कुछ मुझे बताना था लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपने बाल लिटरली नोच लिए, उनके हाथ में बाल आ गए, और भी कई सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उसके अंदर वो टैलेंटेड होता है, उसके अंदर खुद को, लोगों को, सबको प्यार करने की, लोगों को चाहने की, लोगों को रिस्पेक्ट करने की चाहना होती है। तो ये एक फास्टिडियस कैरेक्टर मैंने कार्सिनोसिन का आपके सामने रखा, अगली बार मैं आपको इसका बिल्कुल लाइव केस दिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिला। मैं चाहूंगा कि मान सर अब इसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं मान सर को ही सुनना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स डॉक्टर अरुण कुमार, और गैंगन के बारे में भी आपने अंडरस्टैंड दी, कैसे होम्योपैथी को पब्लिक में लेके जाएं, और कार्सिनेशन की ब्यूटीफुल पिक्चर के कोई अगर कोई जितना भी अच्छा इंसान हो सकता है, गुड गुड क्वालिटी जो सकती है, बेस्ट क्वालिटी जो है, वो कार्सिनोसन होता है। और उसमें एक है कि एलिमेंट फ्रॉम टू लॉन्ग डोमिनेशन डोमिनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, उसमें उसके पेरेंट्स जैसे आज की सिचुएशन है कि पेरेंट्स इतना इतना डोमिनेट करते हैं चिल्ड्रन को कि आपने आईएएस बनना है, आपने आईपीएस बनना है, आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ऐसे तो उन बच्चों में ऐसी बात आ जाती है। तो मैं आपको केसेज करवाऊंगा, पहले एक केस है जिसमें कि कैसे, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आप जैसे डेली कोई रिलीजियस पार्ट करते हैं, ऐसे ही माइंड सेक्शन में 10, 15, 20 पेजेस से रोज निकले आप, आपके माइंड में हो कि कहीं मैंने ये रिब्रिक पढ़ा था, आपको प्रॉपर याद नहीं रहेगा, तो आपको होगा माइंड में, आप देख लेंगे। तो मेरे पास एक बहुत, जैसे मैं बता रहा था डॉक्टर अरुण, और हम हमारी लॉन्ग जर्नी है, तो ये केस 2005 का है, उसमें एक लड़की को मेरे पास लेके आए, 18 साल उसकी उम्र थी, 5th जुलाई 2005 में, शी वाज इन सेमी कॉन्शियस स्टेट, स्टेयरिंग कॉन्स्टेंटली एट वन पॉइंट, स्पीकिंग नथिंग फ्रॉम 15 डेज, वो कुछ नहीं बोल रही थी 15 दिन से, जैसे सेमी कॉन्शियस स्टेज में थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट शी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम बैड सोल, कि कहीं कोई बुरी आत्मा की उस पर छाया पड़ी हुई है। हैव ऑलरेडी गोन टू बाबाज, तांत्रिक्स, ऐसे इन लोगों पर ऐसे केसों को लेके जाया जाता है। Somebody told them about me that Dr. Mann deals with such cases, being a homopath and rationalist, तर्कशील। तो आप उनके पास जाएं, किसी ने बोला और लेके आए। I tried my best to know about her feeling, but she answered nothing. While sitting at one place, looking at one point, there was no movement of eyes. एक ही जगह वो टिकटिकी लगा के लड़की बैठी रही। Her mother told, she says at home, उसकी मदर ने बोला कि वो क्या कहती है घर में, आई एम सीइंग समवन डेड पर्सन इज लाइंग, आई एम सीइंग डेड पर्सन इज लाइंग, लेडीज आर बीपिंग, लेडीज आर बीपिंग एंड आई एम फियरफुल ऑफ दैट डेड पर्सन, कि इसको एक कोई मरी हुई कोई लड़का लड़की दिखता है, औरतें रो रही है और ये डर रही है कि वो जो डेड पर्सन पड़ा हुआ है उसको दिखता है। तो मैंने, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे माइंड में था कि कहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, आई हैव इन माइंड सच रूब्रिक अंडर डिल्यूजन डेड, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग इन माइंड सेक्शन ऑफ रिपॉर्टरी अंडर द हेडिंग डिल्यूजन एंड देयर इज ए रूब्रिक। तो मैंने सोचा कि मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे रूब्रिक है, डिल्यूजन डेड उसके अंडर सब रूब्रिक है, पर मेरे को उस समय रिमाइंड नहीं हो रहा था,
तो मैंने रिपॉजिटरी में ढूंढना शुरू किया। दूसरा है डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अशोक उपाध्याय और डॉक्टर राशि, एक कंप्लीट रूपरेखा मिला उसका, जैसे वो लड़की ने बोला था घर में, डिलूजन डेड कॉर्पस कॉमा अक्वाइंटेंस कॉर्पस ऑफ एब्सेंट अक्वाइंटेंस ऑन सोफा एंड वाग डेड, ये प्रॉपर रूपरेखा था कि उसको लगता था कि कोई उसकी जान पहचान का सोफे पर मरा हुआ पड़ा है। Delusion dead purpose acquaintance corpus of absent acquaintance on sofa, कि सोफे पर मरा पड़ा है, उस ये मन में आ रहा प्रॉपर विवृता एंड हेल्थ लैंड। तो डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी लिखेंगे विवृत को प्रॉपर delusion dead के नीचे corpus acquaintance, तो उसमें सिंगुलर आर्सेनिक थी, आपको पता नहीं और कितनी ऐड कर दी होंगी, तो सिंगुलर आर्सेनिक थी, इट्स सूटेड वर्ड to ward to her delusion. So as Dr. M.L. Sehgal had said, to be a successful prescriber on mind symptoms, present mental state, you go through mind rubrics repeatedly so that you have in mind that there is some rubric matching to the wording of your patient. हमारे गुरु हमारे मास्टर कहते थे कि आपके मन में ऐसे होना चाहिए कोई बिल्कुल फिटिंग रूब्रिक। मैं तो कमाल है डॉक्टर अरुण जी के, कोई भी नहीं हमारी रिपॉर्टरी में जो ना मिलता हो, ये हमारी लैकिंग है, हमारी लैक ऑफ नॉलेज है कि हमें हम नहीं वहां तक पहुंचते, पर कोई भी कैसे भी स्लाइटेस्ट जो डेंट है उसकी पर्सनैलिटी में किसी पेशेंट के, समय को समय हमारी माइंड सेक्शन में मिलता है। तो उसको मैंने 5 जुलाई 2005 को आर्सेनिक एल्बम 30 सिंगल डोज दी, एक हफ्ते के लिए उसको मैंने प्लेसिबो दी। 12 जुलाई को आफ्टर 7 डेज वो आए ब्लूजन डेड कॉर्पस क्वांटम्स ऑन सोफा एंड हाइड्रेट, तो कंप्लीट क्लियर रिपोर्ट है। 12 जुलाई को वो आए, टू माय अटर सरप्राइज शी के बिकेम 100% नॉर्मल इन बिहेवियर, 100% नॉर्मल हो गई वो इमीडिएटली लड़की। Joined her studies from 7-7. 2 days after studying, joined kar liye. Her mother told she was 100% normal from next day. That is 6-7-2005. So see the wonderful results. So ऐसे हम ऐसे wonderful results मिलते हैं कहीं जहाँ कहीं हमारे brothers, हमारे colleagues, even MD psychology, psychiatry, वो whole life उनको सिज़ोफ्रेनिया में डाल के मेडिसिन देते रहते हैं। क्या मजा है होम्योपैथी में, कितनी वंडरफुल साइंस है ये। अगर हम अपन हम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को, सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी को ऐसे उनको उनको माइंड में ये माइंड वॉश कर दे कि होम्योपैथी है क्या और कैसे सिंगल डोज ठीक करती है, और आपके जो साइकेट्रिस्ट हैं जो मॉडर्न साइंस कहलाती है वो सालों बदी उनको मेडिसिन देते रहते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा केस था कि आपको ये जरूरी है कि जो हम स्टडी करवा रहे हैं आप डेली गो थ्रू हो 10-15-20-25 पेजेस जो है माइंड सेक्शन के। थैंक यू, फर्स्ट केस था जी। इसमें कोई पूछना हो किसी ने कुछ भी? थैंक यू सर। मनोज सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हेलो। अभी आ गया डॉक्टर मनोज कुमार लेफ्ट, पता नहीं कैसे हो गए। हाँ हेलो, वेलकम सर। हाँ अशोक दा, और बाकी और भी जो डॉक्टर हैं उनको पहले बोलने दीजिए, फिर मैं लास्ट में बोलूंगा। अच्छा हेलो हेलो सर जी, हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ डॉक्टर बोलो। अभी हाँ जी, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक पेशेंट को मिनोरेजिया का केस था, उसको 19 डेज से उसको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी, उसको मैंने कार्सिनोजन 30 की एक डोज दी थी और ग्रेजुअली 2-3 दिन में ठीक हो गई। और उसका मेन जो था वो था कि शी लव्स टू डांस, कि वो म्यूजिक चला के, और उसको बस अंदर से होता था कि मैं डांस करूं। और ये भी आपने बताया अम्यूजमेंट, लव फॉर अम्यूजमेंट, तो उसमें डांस का बहुत इम्पोर्टेंट मुझे मिला रूब्रिक, बाकी तो और थे भी बट मैंने इसको बेस किया। और इसमें अगर हम आप देखोगे माइंड रिपोर्टरी में लव्स
टू डांस में शायद कार्सिनोसिन जो है वो सिंगल रेमेडी है, सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है। तो आई गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट विद इट। तो देखिए कुछ भी मिल सकता है, आप पेशेंट बोले और आप ढूंढ पाए, ऐसा कुछ नहीं है जो होम्योपैथी में ना मिले, मजे की बात हो जी। अभी भी मैंने जो मेरा हायोसेम का केस था रिमेम्बरेबल था, वो लड़की कल फिर आना पड़ा, अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई 2012 में, डॉक्टर उनको मैंने पहले लेक्सिस दी एम्ब्रा दी, पर वो पर्ची उनके पास 2012 की मेरी वही वर्डिंग एक कोने में लिखा हुआ है कि सर आपका बड़ा नाम है, बड़े पेशेंट ठीक करते हैं आप, मैं तो फिर मानूंगी मेरे को ठीक करेंगे और फिर मैं लाइनें लगा दूंगी पेशेंट की। देखिए कल मैंने जब 2012 की उनके पास स्लिप देखी, उसके एक कोने में पंजाबी में वर्डिंग थी इनसाइटिंग, तो वो हायोसम से निकल गई थी जो छोड़ दी थी लेडी, कल वो इतने सालों बाद दोबारा आई और चलो अभी तो और कंडीशन थी उसकी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो कुछ भी मेंटल डिजीज़ तो इतनी जल्दी हम क्योर कर देते हैं। डॉक्टर पूनम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बहुत अच्छा रूबरिक उन्होंने पकड़ा। मेरे पास एक केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कैंसर का पेशेंट है और वो कान में वो म्यूजिक वो लगाकर ईयर प्लग लगाकर क्लिनिक में आया। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों लगा कर आए हैं, अभी आप हमसे बात कर लीजिए थोड़ी देर, नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये हमारी दवा है, इससे मुझे रिलीफ मिलता है। फिर थोड़ी अच्छा अच्छा जी, और जब मान साहब जब उससे हमने बात की तो उसने ये भी बताया कि मुझे म्यूजिशियन बनना था, मैंने बहुत ट्राई करे, बहुत ट्राई करे, ये जितने भी म्यूजिक के कॉम्पिटिशन होते हैं गए, मुझे सब निकाल हटा देते थे वहां से कि नहीं नहीं तेरे तेरे गले में कुछ नहीं है, तू म्यूजिशियन तू कुछ और कर ले। तो मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, मुझे म्यूजिशियन बनना था लेकिन मैं बना नहीं। अब इस बीमारी को मैं इसी म्यूजिक से डॉक्टर साहब ठीक करता हूँ, मुझे सुनने सुनने में आया कि आपके यहाँ कुछ ऐसी दवाई होती है, आप दवाई दे दो और ये जो मेरा म्यूजिक है ये दोनों मिलकर मुझे भरोसा है मैं ठीक हो जाऊंगा। ये उसके पिक्चर थे, बिलीव वेरी गुड। कार्सिनोसिन 200 पे ये पेशेंट चल रहा है सर, काफी उसको रिलीफ है, उसका सीए मार्कर वगैरह बहुत रिड्यूस हुआ है और मुझे मालूम नहीं कि वो कैंसर उसका ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी जिंदगी लौट आई है, कभी मैं उसका वीडियो दिखाऊंगा। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। तो डॉक्टर लखन सर से, डॉक्टर लखन सिंह सर प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए और डॉक्टर गोपाल पंडित सर वेलकम सर आगे आपका। थैंक यू, ये बहुत छोटा सा एक केस है एडेनेक्सल सिस्ट का। एक 32 वर्ष की महिला शरीर से काफी कमजोर मुरझाया उदास चेहरा लेकर मेरे क्लिनिक में बैठी। 5 मिनट के बाद जब मैं उसकी ओर मुखातिब हुआ तो वह बताने लगी कि डॉक्टर साहब करीब 6 माह से मेरे पेट के नीचे काफी दर्द रहता है, स्तन के नीचे कीड़े रेंगने की अनुभूति होते रहती है, मैंने इसके लिए दवाई तो बहुत कराई परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, अब मुझे सीधा मौत ही दिखाई पड़ रही है, परंतु बच्चों का चेहरा देखकर काफी दया आने लगती है कि इनका क्या होगा, चिंता से भूख प्यास सब समाप्त हो गया है, मैं कोई काम धाम भी नहीं कर पाती हूँ, किसी तरह खाना बना लेती हूँ। मैंने पूछा कि जब आपको काफी दर्द होता है तो आप मैनेज कैसे करती हो, तो उसने बताई कि दर्द जब होने लगता है तब मैं रोने चिल्लाने लगती हूँ और उस समय मुझे लगता है कि अब प्राण निकल जाएगा, एलोपैथिक डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है परंतु मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2 बार पेट का ऑपरेशन करवा चुकी हूँ, मेरा शरीर कमजोर है और इस बार के ऑपरेशन में अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटा छोटा बच्चा है इनकी देखभाल कौन करेगा। बातचीत के क्रम में मैं उसके चेहरे पर त्योरी या भौं यानी फ्रॉनिंग काफी हो रही थी। आगे मैंने पूछा कि आप एलोपैथिक दवा छोड़कर होम्योपैथिक दवा और मुझसे ही दवा क्यों लेना चाहती हो, इस पर उसने बताया कि 5 वर्ष पहले मुझे मेंस में काफी तकलीफ रहती थी, उसका इलाज मैं बहुत जगह कराई थी परंतु नहीं ठीक हुआ था, अंततः आपके पास मैं जब दवा खाई तो पूर्णतः ठीक हो गया, इस बार भी काफी निराश होकर आपके पास आई हूँ। रोगी द्वारा दिए गए वक्तव्य का जब मैं एनालिसिस करने लगा तो
तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मेरे समझ में दिख रहे थी। रोगी को अपने बच्चों की चिंता बहुत अधिक थी, वह ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, दर्द की वजह से उसे सीधा मौत ही दिखाई पड़ती थी, अपनी दयनीय अवस्था में काफी निराश और असहाय महसूस कर रही थी। इसकी दवा आप लोग शायद समझ गए होंगे। उस केस में मैंने निम्नांकित रूब्रिक लिया, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज फियर इंज्योर्ड ऑफ बीइंग फियर हैपन समथिंग टू वीपिंग पेन विथ श्रीकिंग पेन विथ ऑब्जेक्टिव रिजनेबल एंड डिल्यूजन पुअर हिज। इन सारे मानसिक लक्षणों पर 18-10-21 को सीपीआर 30-3 खुराक और प्लेसिबो 1 माह के लिए दे दिया। 1 माह बाद यही 16-11 को फॉलोअप के लिए आई। रोगी का चेहरा देखकर मैं भी पहचान नहीं सका, चेहरा काफी सजीव खुशहाल लग रहा था। उसने बताई कि दवा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवा खाने के 3-4 दिन बाद से ही मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। अब मैं सब काम धंधा अच्छी तरह से कर लेती हूँ, भूख प्यास भी ठीक लग रही है, स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। पुनः मैं 1 माह का प्लेसिबो दे दिया हूँ। धन्यवाद होम्योपैथी एवं मेंटल सिम्टम की ओर ध्यान दिलाने वाले डॉक्टर एमएस सहगल तथा इस तकनीक को प्रोत्साहन देने वाले सभी डॉक्टरों को कोटि कोटि नमन। थैंक यू डॉक्टर गोपाल। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना बता दे रहा हूँ 2 मिनट में, फिर मनोज सर का। मेरे पास मेरी एक रिलेटिव ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, बोले सर मेरा बेटा तो डांसर बनेगा पक्का। बोला क्यों? बोले जरा सा म्यूजिक बजता है वो मूवमेंट करने लगता है, डांस करने लगता है। हालांकि मुझे पेट में दर्द होता है बहुत, तो हमारे पास कार्सिनोजन का एक सिंगल रूब्रिक है, डांस डिजायर फिटस म्यूजिक म्यूजिक ऑन है सर, म्यूजिक टू। मैं ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। और मैंने उसको कार्सिनोजन उस समय 1 mg के डोज दिए सिंगल, और इसके बाद से उसका फीटस जो था म्यूजिक के बाद मूवमेंट उतना नहीं करता था, और उसको पेन बिल्कुल चले गए और नॉर्मल डिलीवरी हुई। डांस डिजायर टू फीटस ऑफ टू म्यूजिक कार्सिनोजन सिंगल रेमेडी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू डॉक्टर मनोज सर, प्लीज वेलकम और अपना केस दीजिए। डॉक्टर मनोज सर नमस्कार। वेलकम सर। वेलकम। Am I audible? हाँ बिल्कुल। सबको नमस्कार। एक छोटा सा केस मैं बताता हूँ, एक डिस्कस करेंगे। मेरा ये बहुत पुराना केस है, 2015 का केस है, और एक बाहर से 73 इयर्स ओल्ड एक पर्सन आए थे जिनको लाया गया था बिकॉज ही वाज इन डिप्रेशन, और उनको सेनाइल डेमेंशिया की भी प्रॉब्लम थी। तो हुआ यूं था कि उनका एक भाई था, 2 भाई थे वो लोग, और वो दोनों रिटायरमेंट होने के बाद से, या जब वो काम पे भी जाते थे अपना वर्क भी करते थे, तो वर्क से आने के बाद से एक साथ रहते थे, और आफ्टर द रिटायरमेंट दोनों भाई सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक साथ खाना पीना गप्पे मारना सब कुछ एक साथ करते थे। तो अब अचानक क्या हुआ कि उसके 10 दिन पहले जो है उसके भाई की डेथ हो गई, नहीं सॉरी 10 दिन पहले डेथ हो गई, लेकिन इन 10 दिनों से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, एकदम गुमसुम से हो गए, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, जबकि ये प्रीवियसली बहुत हंसी मजाक करना, गपशप करना इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे।
लेकिन इन भाई के डेथ के बाद से इनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो किसी से बात करना नहीं, एकदम चुपचाप पड़े रहना, ऐसी कंडीशन है, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने जब देखा तो एकदम जैसे गुमसुम से पड़े हुए थे, उदास पड़े हुए थे। तो मैं जब कुछ क्वेश्चन पूछने की भी कोशिश कर रहा था तो कभी तो जवाब दिया, कभी नहीं दिया, और कुछ पूछा कुछ बोल रहे थे। तो ये कंडीशन चल रही थी, जैसे उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो या बोलना नहीं चाहते। तो उनके मोस्टली उनके रिलेटिव ने ही सारी चीजें बताई। तो उन्होंने बताया कि ये जो है इनके भाई के डेथ के बाद से एकदम ऐसे हो गए हैं और किसी काम में इनका मन नहीं लगता और इनको भूलने की भी आदत हो गई है, जबकि इनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। लेकिन उनके डेथ के बाद से लोग कई बार लोगों को पहचानना भूल जाते हैं, कई बार अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, कहीं जाना आना भी नहीं चाहते, ये सिचुएशन है उनकी। और नॉर्मली चुपचाप बैठे रहते, किसी से बातचीत करना कुछ नहीं, ये इनकी कंडीशन है। तो कभी कभी जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा भी तो थोड़ा सा उन्होंने कुछ जवाब दिया और फिर जैसे लगता है खो गए। ये एक तरह की सिचुएशन जो है वो चल रही थी। तो और मतलब कि और किसी चीज की चिंता होती है तो बस एक बार बच्चों की थोड़ी चिंता रहती है। तो ये भी उनके रिलेटिव ने बताया कि कई बार वो अपने बच्चों के लिए उसका क्या होगा, वो तो चला गया, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और कभी कभी अचानक हंसने लगते हैं, हंसते हंसते फिर रोने भी लगते हैं। कभी कभी बिना बात के कुछ ज्यादा ही जोर से हंसने लगते हैं। ये सारी सिचुएशन चलती है, लेकिन ये सब बहुत कम होता है। मोस्टली वो चुपचाप रहते हैं, कोई बात नहीं करना, ये उनकी ज्यादा फीचर्स। तो इसमें मैंने एक दवाई दी थी पहले, उससे फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फायदा हुआ, विशेष फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक दूसरे मेडिसिन का नाम दिया, उससे फायदा हो गया। तो थोड़ा सा एक बार किसी को समझ में आ रहा है इसमें क्या मेडिसिन लग सकती है, आप लोग अपना ओपिनियन देंगे। ये छोटा सा केस है, बस इतना ही था। और उनकी उम्र है 73 इयर्स। तो वहां जो डॉक्टर ने दिखाया था, जिस डॉक्टर को, उन्होंने उसे सेनाइल डेमेंसिया दिया था, बताया था नाम। सर, एलिमेंट डेथ ऑफ लव्ड वन। हाँ, ये तो पक्का एकदम सिंपल सी, क्योंकि उनके बाद ही इसकी प्रॉब्लम सारी शुरू हुई है, ये तो एकदम श्योर। तो दूसरा उसके बाद वो कंपनी अवर्जन की स्टेट में चले गए। अच्छा, कंपनी अवर्जन नहीं, कंपनी अवर्जन, कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है। लोग पढ़े क्योंकि 73 इयर्स ओल्ड है ना, तो घर में तो है ही, लेकिन किसी काम में, अब किसी चीज में इंटरेस्ट उनका नहीं रहा, जबकि वो सुबह से लेकर रात तक अपने भाई के साथ रहते थे और उसकी अचानक डेथ हो गई। तो ये उसने उसके माइंड पे बहुत ज्यादा असर किया, उसके बाद से ऐसे हो गए। कंपनी हो कंपनी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सर। हाँ हेलो, हेलो सर। इंडिफरेंस, हाँ बोलिए, इंडिफरेंस everything sir, indifference to everything. Yes, very good. Yes, hello. बहुत पक्का, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, indifference everything to. Element in death of loved ones. Hello sir. हाँ hello. Sir, ailments from grief and indifference to everything. हाँ, indifference to everything ठीक है, ailment from grief का दिखता है। मैंने लिया तो नहीं था उस समय, एक बार चेक कर लें। Hello. Acetone भी आ सकता है, acetone. Ailments from grief. हाँ, और क्या, और क्या डिल्यूजन? गीज, ही इज गूज। डिल्यूजन ओनियम का सर, डिल्यूजन गीज, ही इज अ गूज। वो पहले दो हंसों के जोड़े की तरह थे, लेकिन एक की डेथ होने की वजह से वो सिंगल रह गए। अन्य रूब्रिक क्या बताया मैम आपने? डिल्यूजन गीज, ही इज अ गूज। Delusion, geese, अच्छा, delusion, मतलब, अच्छा, 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 गीज जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, मतलब दो हंस होते हैं, ठीक है। अभी एक हंस उसमें से खत्म हो गया तो वो अकेला रह गया, इसलिए गूज बन गया है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे हंस और हंसनी का दो जोड़ा होता है, अगर एक डेथ हो जाती है तो दूसरा कभी भी दूसरा पार्टनर नहीं बनाता,
वो सिंगल ही हाँ रहता है, तो ये आपको इसको एक एनिमल पर्सन भी ले सकते हैं, दो ब्रदर, दो फ्रेंड, एनी टू पर्सन जो एक दो होकर भी एक की तरह रहते थे, और अभी वो दो में हाँ से वो सिंगल रह गए, तो वो अभी वो अलोन रह गए। ये मैंने एक रूब्रिक पढ़ा था, तो मुझे ये दिमाग में आया, कोनियम का अच्छा चलिए रूब्रिक है बहुत सर। बढ़िया। एक नई रूब्रिक, मुझे इस रूब्रिक की जानकारी नहीं थी। कोई केस ऐसा सॉल्व किया जी है किसी ने इस रूब्रिक पर? हाँ मैंने कहीं पढ़ा था ये एक केस कि एक वाइफ और हस्बैंड दोनों योगा टीचर थे और पढ़ाते, मतलब सब कुछ करते थे, पूरा दिन साथ रहते थे, कहीं जाना भी, बच्चे वगैरह को भी इतना वो नहीं अटेंड करते थे जितना वो दोनों साथ रहते थे। तो उनमें से अचानक हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ ने योगा क्लास बंद कर दी और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। तो जिन सर का अच्छा ये केस था, 2 ईयर्स तक उन्होंने बहुत दवाइयां दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। फिर उनको अचानक ये रूब्रिक मिला, क्योंकि वो हमेशा आती थी तो वो उसी उसमें रहती थी कि वो मेरे पति चले गए, उसके बाद उसने किसी भी चीज में इंटरेस्ट रखा ही नहीं। फिर वो बाद में जब अच्छा उनको ये कोनियम का ये रूब्रिक मिला और उन्होंने कोनियम दी, तो फिर वो नॉर्मल हुई, क्योंकि वो हस्बैंड और उनकी एक सी ड्रेस थी योगा की, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वो बहुत अच्छा, मतलब 25-30 लोगों का क्लास अटेंड करते, फिर वो उसने वापस वो ड्रेस पहनना भी शुरू किया और वापस अपनी क्लासेस शुरू की, नॉर्मल होने लगी वो लेडी। तो वो ये रूब्रिक तब उनसे सुना था, तो हमें अच्छा लगा, मैंने नोट किया कि ऐसे केसेस कई बार मिलते हैं। जो उसमें ये भी था कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरा एक डॉग है, हम दोनों का इतना वो है, बिल्कुल एक कंटिन्यूटी बोल दीजिए, बॉन्डिंग है, यस कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी जी बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन। अगर उसमें डेथ हो जाए और वो आदमी अकेला फील करे कि उसके बगैर वो चल नहीं सके सब कुछ, तो वहां भी ये रूब्रिक लग सकता है। कोई भी दो पर्सन उसमें से सिंगल रह गया अगर, तो ये चीज आती है, यस ये यस रूब्रिक था सर। वंडरफुल बहुत बढ़िया डॉक्टर सीमा, रूब्रिक, रियली वंडरफुल। वंडरफुल, बहुत अच्छा। एक नई रूब्रिक और प्लस एक नए केस के साथ होने से एक अच्छी फील आई। इसको थोड़ा सा और समझेंगे कभी। बहुत अच्छा, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन। हाँ सर एक चीज और इसमें मैंने एक रूब्रिक और देखा था, कोनियम का ही है, डिल्यूजन गीज थ्रू देम सेल्फ इनटू वाटर थिंकिंग देम सेल्फ टू बी गीज। मतलब ये इसमें क्या है कि हंसों के जोड़े में से एक भी पार्टनर मर जाता है तो दूसरा भी पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो इनके बीच इतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है, इतना ज्यादा प्रेम होता है कि वे अकेले जीने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल था कि पेशेंट को पति की मौत के बाद यही लग रहा था कि उसे भी पति के साथ ही मर जाना चाहिए था, अब वो अकेले क्या करेगी, इतना गहरा लगाव, दो दोस्तों, पति पत्नी, दो भाइयों, माँ बाप के बीच, नौकर और सेठ, मालिक और पशु, कहीं भी दो जनों के बीच हो सकता है। फिर ये दूसरा रूब्रिक था कि डिल्यूजन गीज ही इज ए गूज, सिंगल कोनियम। तो थैंक यू ये तो डॉक्टर डॉक्टर सीमा, डॉक्टर जायसवाल, ये तो हस्बैंड वाइफ में तो लाखों में एक दो मिलेंगे, पर जो लव वाले हैं नौजवान, उनमें तो ये बहुत मिलता है कि वो रह नहीं सकते दूसरे के बिना, उनमें तो ये सर काम आ ये, सकता है। जी सर ये यस इन जनरल ये तो सर अपने को लगाने पर है कि हम कहाँ इसको यूज करते हैं, बट कहाँ यूज करते हैं। ये चीज है जो हमको मिली तो अच्छी बात है सर। हाँ तो हाँ हस्बैंड वाइफ तो पता नहीं बाकी आपका तो क्या खाना तजर्बा है, मेरे पीना पास तो सर जितने हस्बैंड वाइफ आते हैं वो लड़ाई करते लड़ाई करते लड़ाई करते ही आते हैं, कोई लाख में एक होगा ऐसे तो। पर जो नौजवान है लव करते हैं, उनमें सभी में ऐसे होता है। हाँ हाँ तो सर अगर उससे कोई इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और होगा। एलिमेंट आए ना, अगर कोई उससे कि भाई उसकी वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो अभी कहीं दिमाग नहीं लगा पा रहा है या डिप्रेशन में चला गया, तो आप यूज कर सकते हैं ये रूब्रिक। भाई एक तो ये हो डेफिनेटली, गया जैसे जैसे डॉक्टर उसका भी अभिषेक पढ़ा सिंगला लिख रहे हैं, लव सिक के नजदीक चला जाएगा, नहीं नियर एंटम क्रूड या। सर, लव सिक में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा मेरे हिसाब से तो, कि हाँ वो तो है, उसमें पर हाँ नजदीक है, नियर वही है। नजदीक है। हाँ जी जी सर, जी सर, लव ओके सर, सिक में थैंक क्या यू होगा, सर, वो फिर वैसे ही छवि देखने की कोशिश करेगा किसी दूसरे में, यू आर राइट सर। वो भी और मैंने एक केस उसको तो सुना था, बिल्कुल चाहिए ही नहीं कोई, बस वही चाहिए चाहिए ही नहीं, वो उसको ने सिर्फ खाना बोल दिया पीना ना कि छोड़ दे, अभी खाना मेरे लिए पीना तक दुनिया ही छोड़ दे खत्म। बाकी ऐसा। हाँ मेरे लिए हाँ दुनिया खत्म, वो ही सब कुछ थे। इवन वो बच्चों में भी एंटरटेन नहीं होती थी सर, हस्बैंड वाइफ में इतनी वो थी कोऑर्डिनेशन कि उनके लिए बच्चे, दुनिया कुछ नहीं, ऐसा था वो ऐसा स्पेस मिलनी चाहिए हमको। ओके सर, थैंक यू सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट जो है ये दो रूब्रिक कंफर्म है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस एंड इंडिफरेंस टू एवरीथिंग।
ये दो बिल्कुल पक्के हैं। और उसमें उसके सबसे बड़ी बात क्या थी ना, उसका फेस कैसा था, एकदम उदास मन मार के जैसे बैठा हुआ था चुपचाप, फिर अचानक से कभी कभी जो उसके हमारे सामने तो हंसा ही नहीं, बिल्कुल एकदम वैसा ही रहा, कभी जवाब देता था ठीक से, कभी मैं पूछता कुछ था जवाब कुछ आता था, इस तरह की कंडीशन चल रही। तो मैक्सिमम उसके जो है अटेंडेंस ने ही बताया। तो फर्दर क्या और रूब्रिक ले सकते हैं जिससे बहुत क्लोज जाए? टेस्टियन हो सकता है, जैसे वो बात नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप है। और थोड़ा सा आगे टेसिटर्न में है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी रूब्रिक है। हाँ वहां वो मेडिसिन है टेसिटर्न में, लेकिन 315 है तो मैं बहुत बड़े रूब्रिक था इसलिए इसको मैंने नहीं लिया, फिर चलो ले लेते हैं इसको भी, है वहां भी। सर एब्जॉर्ब्ड हो सकते हैं? एब्जॉर्ब्ड हाँ हो सकता है, एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी रूब्रिक है, थोड़ा और प्रिसाइज लेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जो पूछ रहा था तो जवाब क्या दे रहा था, मैं पूछ रहा था कुछ और जवाब कुछ आ रहा था, इसका क्या रूब्रिक होगा? इसको थोड़ा सा हम लोग समझे। आंसरिंग स्नैपिश सर? हाँ हेलो, आंसरिंग इररिलेवेंट, आंसरिंग इररिलेवेंट, बिल्कुल सही। अब हमारे पास मेडिसिन देखिएगा बहुत कम हो जाएगी, है ना? अच्छा सर, आपने कहा कि उसकी मर्जी होती थी, वो जवाब दे देती थी उसकी मर्जी, नहीं तो नहीं, ऐसे ही कहा ना सर? ना ना, मर्जी नहीं, मैंने कभी जवाब दिया, कभी मैंने कभी जवाब दिया भी तो क्या जवाब दिया वो कुछ समझ में नहीं आता था उसको। ओके ओके सर, राइट। और मैंने पूछा चाचा आपने खाना खाया, और नहीं नहीं अभी कहीं जाने का मन नहीं करता, या और कुछ पूछ रहा हो, कुछ और पूछ रहा था, ऐसे दो कंडीशन में होता है, इधर या तो उसे सुनाई नहीं देता ठीक से, या फिर वो कहीं खोया हुआ है, वो मन तुम उसके तो उसका सारा दिमाग तो वहीं लगा हुआ, उसके भाई में लगा हुआ है, तो प्रैक्टिकली उस पर शॉक जैसा लगा ना, सडन कोई चला जाए, तो इस कारण से क्या है कि दिस इज हाँ, क्योंकि आंसरिंग इरेलेवेंट बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कितनी मेडिसिन बची? हेलो अशोक दा, फास्फोरस और एसिड फॉस, फास्फोरस और एसिड फॉस, ये क्या आपका कंप्लीट से है क्या? हाँ हाँ, ये रेपर्टरी बहुत गड़बड़ करते हैं, अलग अलग रेपर्टरीज। और किसी ने सिंथेसिस में एक बार मिलाइए सेम रूब्रिक सर, फास्फोरिक एसिड, नक्स मोस्टाटा, नक्स ओमिका एंड सल्फर। यस, तो फास्फोरिक एसिड, नक्सफॉर्म, नक्समोस्टेटा, नक्सफॉर्म एंड सल्फर, ये चार मेडिसिन आ रहे हैं, राइट? अब इसका सबसे बड़ी बात क्या था ना कि इसकी एक और सिम्टम जो मुझे मिली जो बहुत पिक्यूलियर, एक तो इसको शॉक लगा अचानक से, जो डेथ हुई इट कॉज द शॉक, शॉक हो जाता ना अचानक कुछ हो गया एंड वन नॉट एक्सपेक्टेड, और बहुत टेरेबल कुछ हो जाए तो यू गेट शॉक। तो तीसरा एक और जो रूब्रिक मैंने लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, लगाइए इसको एक बार, और क्या मेडिसिन बचती है? सर सेम फोर मेडिसिन आ रहा है, सेम फोर मेडिसिन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अब ये करता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, लॉ भेजने वाला है, खत्म होने का टाइम आ गया है,
तो इस केस में सल्फर बहुत करीब चल रहा था, फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत ज्यादा करीब चल रहा था, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ लाइकोपोडियम वगैरह भी था, नक्स भी था, आसपास चल रहे थे। तो इसको सबसे पहले मैंने फॉस्फोरिक एसिड दिया, फॉस्फोरिक एसिड 200 दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही लेथर्जी फीलिंग, कोई काम नहीं करना, नींद नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स चल रहे। फिर मैंने 1M दिया, 1M से भी कोई फायदा नहीं हुआ, और उसमें वो अलीपुर द्वार चले गए, वहां के पेशेंट थे। तो उसके बाद मैंने कुछ और रूब्रिक्स लिए, उसने बताया कि पहले वो बहुत जॉली मूड के थे और वाइब्रेशन से एकदम हंसी मजाक मस्त रहने वाले आते। तो फिर मैंने एक रूब्रिक लिया इलेटेड, एक रूब्रिक देखिए इलेटेड, हमेशा जॉयफुल हाई स्पिरिट में रहना, हमेशा मस्त, जैसे कोई भी काम, एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, खुश मिजाज, ठीक है। अब कितनी मेडिसिन बची, और सबसे बड़ी उन लोग और बताती है भूल जाने की बीमारी थी, जो मैंने उस समय कंसीडर नहीं किया, जिनको भूल जाते थे, किसी का चेहरा नहीं पहचानना, अपने घर का रास्ता नहीं पहचानना, बाहर जाते थे तो घर कहाँ है खोजते रहते थे, जो कि पास में ही रहता था। तो दूसरा एक रूब्रिक है फॉरगेटफुल स्ट्रीट्स ऑफ वेल नो, फॉरगेटफुल स्ट्रीट्स ऑफ वेल नो। तो यहाँ पर शायद अकेले नक्स मॉस्चेटा बच जाएगी, एक बार चेक कर लीजिए। यस सर, सर ये लूजेस इट्स वे इन वेल नोन स्ट्रीट वाला रूब्रिक आएगा इसमें। आवाज नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही, जब प्रॉब्लम हो गई कोई, नहीं लगता आवाज नहीं आ रही, मनोज सर का किसी कारण से आउट हो गए होंगे। हेलो, ओके, हाँ वो एक कॉल आ गया था तो उसे हाँ निकल गया था। तो इसको मैंने फिर इलेटेड लिया, और एक जो उनकी ये थी कभी रोना, अचानक से रोने लगना, फिर हंसने भी लगना, ये हंसना रोना एक साथ जो था ये बहुत पिक्यूलियर लगा मुझे, जो पहली बार मुझे मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी। तो मैंने उसको लिया लाफिंग वीपिंग सेम टाइम, वीपिंग एंड लाफिंग एट द, ठीक है, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। तो इसको नेक्स्ट मॉस्चेटा 200 मैंने बोला उसको कि आप लो उसको, और केवल एक ही डोज लेने के बाद ही उसको मेरे पास 20/9/2015 को मैंने उसको दिया था, और 24/10 तकरीबन एक महीने के बाद वो आए, और उनको बहुत अच्छा था, स्टार्टेड अपनी जो है जो नॉर्मल जो काम वगैरह उन्होंने चालू कर दिया, घूमना फिरना चालू कर दिया, लाइफ में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। सो दिस वॉज द केस। तो ये नक्स मॉस्चेटा से निकला था, जो कि बहुत सर सिलेक्शन तो राइट हाई जब वो ठीक हो गया, पर इलेटेड तो उसकी पहले की नेचर है ना, प्रेजेंट तो नहीं है, पहले की नेचर है। तो मैंने उसको भी किया कि उसकी पहले की नेचर भी कई बार हमें मेडिसिन सिलेक्शन में काम देते हैं कि उसको पहले का नेचर, क्योंकि सभी लोग इतने इलेटेड नहीं होते। सो दैट वाज आल्सो
अ वेरी पिक्यूलियर थिंग सर. पिक्यूलर तो थी, पिक्यूलर तो थी, लेकिन वो ट्रिपल ट्रिपल पी पे तो वो पूरा नहीं उतर रहा ना जो प्रेजेंट कंडीशन है. हाँ नहीं, कई बार जो है मैंने जो अपने प्रैक्टिकल केसेस में देखे हैं, कई बार यदि मुझे रेमेडी सिलेक्शन में जब दिक्कत हो रही है तो नेचर के हिसाब से, तो फिर जैसे दो तीन मेडिसिन आ रही है, अब एक मेडिसिन का नेचर है वो गुमसुम रहना, चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करता है, और एक मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा हंसना खेलना एम्यूजमेंट डिजायर में बहुत ज्यादा है, मस्ती में ज्यादा है, तो वहां से हम डिफरेंस करते हैं, वो मेडिसिन अक्सर काम करती है यदि फर्दर हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो भी उसका एक नेचर है. जैसे पल्सिटिला का नेचर है दूसरों को ब्लैकमेल करना, हो सकता है कि उस समय तो वो ब्लैकमेल अभी नहीं कर रही है, लेकिन मदर्स को ब्लैकमेल करती है ना, हाँ तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो, जब किसी काम को काम निकालना होता है, ये काम निकालने वाली जो कंडीशन ये हेल्दी कंडीशन में है वो उसका ट्रिक है, लेकिन स्टिल वो काम करता है, उसे हम रूब्रिक्स में तो लेते ही है. बीमारी की कंडीशन में रिलेटेड हो तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको जो पल्सिटिला का ब्लैकमेल जो है, ऐसा नहीं कि बीमारी की कंडीशन में तो नहीं मिलेगा, उसमें तो लूपिंग कंडीशन ही ज्यादा मिलेगी, वो उसके नेचर में है, दैट इज द नेचर. और लाफिंग वीपिंग एट द सेम टाइम, दिस वाज वेरी पिक्यूलियर. तो इसको देने के बाद नक्स मॉस्चरा से वो ठीक हो गई. नॉर्मली नक्स मॉस्चरा हम इस तरह के केसेस में यूज ही नहीं करते, हमारा ध्यान इग्निशिया पे ज्यादा जाता है, नेट्रिमिल पे ज्यादा जाता है, फास्फोरिक एसिड पे ज्यादा जाता है, तो इस तरह के रिजेक्शन ज्यादा लेते हैं. डेफिनेटली नहीं तो एसिड पास पे चला जाएगा, पर नक्स मॉस्चरा पर नहीं जाएगा. हाँ, लेकिन नक्स मॉस्चरा पर हम लोग रेयरली, कभी हमारे ध्यान में भी नहीं आएगा कि ऐसे कंडीशन में ऐसे देना चाहिए. तो यह उस दवाई से बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत जो है फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया एट द एज ऑफ 73, में फिर से जॉली मूड वगैरह, उस उसके दिमाग से वो चीज निकल गई एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. तो ये छोटा सा केस था अशोक दा. गुड डॉक्टर मनोज जायसवाल जी, ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड बेस्ट. सर एक छोटा सा, मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि हम मैक्सिमम यही दवाइयां लेते हैं, इग्नेसिया, एसिड फॉस, और यदि कभी ऐसा हो कि किसी घर किसी पेशेंट का एक डेथ के बाद दोबारा फिर दूसरी तीसरी फिर चौथी डेथ हो, तो हमारे पास एक बहुत शानदार रूब्रिक है, एलिमेंट ऑफ डेथ ऑफ वन डेथ आफ्टर डेथ. और उसमें मैंने कालीक्रोम दिया है सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले. एक लेडी का कि बेटी खत्म हुई उसका, फिर उसका बेटा सुसाइड कर लिया, फिर उसकी जो नेक्स्ट था बेटी को डेड बॉडी लेके आ रहे थे तो उसकी मदर की डेथ हो गई. इग्नेसिया बिल्कुल काम नहीं किया, तब मैंने कालीक्रोम दिया था और बेहतरीन रिजल्ट मिले थे. और पहले तो सिंगुलर, इसमें एम्ब्रा सिंगुलर थी डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी पहले तो. अच्छा सर. हाँ आप तो क्या अच्छा कालीब्रोम भी है और एक गैलिक क्या था, गैलिक एसिड शायद. हाँ सर ये मैंने जस्ट अभी चैट बॉक्स में लिखा था, अगेन लिख देता हूँ. लेकिन इसमें क्लास भी है, यदि बाकी रूब्रिक भी मिले थे, बाकी रूब्रिक भी मिले थे सर. हाँ दादा, यदि यही केस कंप्लीट रिपर्टरी में क्या होता था, नेक्स्ट मोशेटा आता ही नहीं. हाँ नहीं आता, ये रिपर्टरी का बड़ा लोचा है भाई. तो इसको कैसे सॉल्व करें डॉक्टर मनोज जायसवाल जी, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इसका प्रॉब्लम का एक ही है कि दोनों आपस में मर्ज होने चाहिए, ये उनकी अपनी रिपर्टरी, इनकी अपनी रिपर्टरी, ये विभेद को मिटाना बहुत जरूरी है. बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऐसे तो, दोनों को मिला के कंबाइंड करके एक रिपर्टरी बननी चाहिए. सर सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि एक रेफरी से जब मुकम्मल केस किया है ना, तो जो मेडिसिन आती है उसे केस नहीं निकलता, फिर उसी केस को दूसरी रेफरी से जब करते हैं तो मेडिसिन चेंज हो जाती है, इससे भी केस निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है सर. हाँ अभी रिसेंटली मेरे पास और एक केस हुआ था, और जिसमें मैंने इससे सिंथेसिस से किया, तो सिंथेसिस से कोई रेमेडी नहीं आ रही थी, सारे रूब्रिक इधर उधर जम कर रहे थे, फिर मैंने जोमियो में डब डाला तो नक्स क्रोमिका क्लियर कट आ गई, सारे रूब्रिक्स कवर कर रहे थे, तो नक्स क्रोमिका. तो यदि जोमियो नहीं होता मेरे पास तो वो नहीं निकलता.
बहुत सारे मेरे को डॉक्टर जायसवाल जी, डॉक्टर अशोक वाद्य जी, मेरे को ये लगता है कि निकला तो केस किसी और वजह से होता है और वो उस रूब्रिक में डाल दी जाती है मेडिसिन। ऐसे जो न्यू एडिशन हो रही है ना, हाँ हो सकता है। नहीं, ये सारी रिपर्टरीज जो है ना, जितनी मेमोरीज की है, सबकी है, जो सिम्टम्स इसमें नहीं है, सारे को एक जगह कंपाइल करना चाहिए और सबको मिला के एक रिपर्टरी बननी चाहिए। तो जो डॉक्टर अनीता है एंड देयर ग्रुप है, जो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली की प्रोडक्शन है, तो उनके ही कुलीग हैं जो डॉक्टर अनिल है, वो अभी नेशनल होम्योपैथी कमीशन के चेयरमैन है, उनको चाहिए कि उनसे बात करें, होम माइंड टेक्निक सिलेबस में इंक्लूड हो, ऐसी रिपोर्टरी एक बने, वो कोई कमेटी बनाए। हाँ, और उसमें ये विभेद, ये जो है अपने रॉयल्टी की बात, ये लोग क्या करते हैं कि रॉयल्टी को लेके आपस में झगड़ा होता है इनका, तो इस चीज को होम्योपैथी के फायदे के लिए देखा जाए तो इस चीज को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अच्छा सर, ये सर, मैंने देखा एक ही बैच के हम लोग अनिल से बात करेंगे, डॉक्टर अनिल से, अनीता, रजनी, मधु, हम लोग एक ही बैच के हैं डॉक्टर अनिल। डेफिनेटली डेफिनेटली, और ऑर्गेनल रीराइट की बात भी करें उनसे। ये साइंस है, रिलीजन नहीं है कि हमने रीराइट करनी ही नहीं है, कि ये गुरु ग्रंथ साहब है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ऐसा भी होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। बिल्कुल सही है, हम लोग क्लोज ग्रुप में करेंगे डिस्कशन डॉक्टर अनिल से। हां जी, तो आज की क्लास कैसी लगी सबको? मुझे तो पहली क्लास थी एंड सच में सर आप लोगों से बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी तो अच्छा लगा सर। वो बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए कि एक ही बगैर दूसरा रह ही नहीं सकता हो, वो तब काम आने वाला है। तो लाभ वाले केसेस में हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें, लाभ वाले केसेस में हमें लाभ वाले केसेस में सर भी जुड़े हुए थे, जी सर, डॉक्टर आर एस सैनी भी जुड़े हुए थे। एक्चुअली सर मुझे तो अभी इस माइंड मेथड में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-8 महीने ही हुए हैं, बट जो भी मुझे जिधर से सीखने को मिल रहा है तो मैं ट्राई कर रही हूं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स टू ऑल फॉर जॉइनिंग अस, एंड अपने कमेंट्स फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, दोनों जगह दें कि कैसा लगा, और सुझाव भी दें कि आगे हम और अच्छा क्या कैसे सीख सकते हैं।